dedicate this my success to my family and then all my teachers, sincere teachers, like to say sincere teachers, for helping me all through that. And I'm very glad, alhamdulillah. Last year तो COVID था, COVID की वजह से सारी online classes conduct हुई. थोड़ा सा difficulty आई, लेकिन हमारी जो थी management, APSSC सुकाड़ा कैंट, वो काफ़ी cooperative थी. उन्होंने properly convey किया हमें सारा कुछ और इस तरह चलता रहा. बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत प्राउड मोमेंट है और बहुत अच्छा है. मतलब बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, उनको मौके मिलने चाहिए और दे शुड मतलब पढ़ाई में हर फील्ड में आगे जाना चाहिए. सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर और बहुत स्कूल का हमें खुशी है. स्कूल ने बहुत मेहनत की, बच्चे ने खुद मेहनत की, इसलिए अच्छा रिजल्ट है. हाफिजा तंजीले से है और 1090 मार्क विथ सेकेंड पोजिशन. बस टीचर्स की सारी कोशिश है और मेरे पेरेंट्स की. मैं कोई भी अकेडमी या ट्यूशन वगैरह ज्वाइन नहीं किया, घर में खुद ही पढ़ती थी. पापा हैं और मेरी बड़ी सिस्टर हैं, वो पढ़ाती थी. और बस फिर टीचर्स और टीचर्स जो पढ़ाती थी वो योरिया, फिर मैं खुद घर में पढ़ती थी. अकेडमी या इसमें मेरी अचीवमेंट में एक अकेडमी या किसी भी ट्यूशन का कोई किरदार नहीं. कुरान पाक था, शायद मैंने जो हिफ्स किया उसी की वजह से आज मैं इस जगह अगर ना करती तो क्या पता मुझे ये सब कुछ हासिल ना होता कभी. बच्चों पर तवज्जो जो है ना वो टीचर्स की तो है वो स्कूल टाइम में, लेकिन उसके बाद जो पेरेंट्स की तवज्जो है वो बहुत ज़रूरी है. सबसे ज़्यादा माँ की है, क्योंकि बाप तो बाहर होता है. माँ को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है बच्चों को कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं. तंजीला बहुत बेहतरीन स्टूडेंट थी. तंजीला ने जब हमारे डिपार्टमेंट में 8th क्लास का एग्ज़ाम हुआ तो उसने स्कॉलरशिप लिया था. और हमारे यहाँ एक जनरल प्रैक्टिस ये होती है कि 70% वाला, 60% से ज़्यादा बच्चे जो नंबर लेते हैं वो साइंस पढ़ते हैं. तो ये स्कॉलरशिप होल्डर थी और हम चाहते थे कि ये साइंस पढ़े, लेकिन इसने अपनी चॉइस पे आर्ट सेलेक्ट की थी. और जब मेरे पास टीचर ने, साइंस की टीचर ने आके बताया कि मैडम ये बच्ची देखें इतनी अच्छी है, पोजीशन होल्डर है और ये आर्ट्स पढ़ना चाह रही है, तो मैंने इसे अपने ऑफिस में बुलाया. मैंने कहा तंजीला बेटा आप आर्ट्स क्यों पढ़ना चाहते हो? कहती है मैडम बस मेरा दिल ही आर्ट्स पढ़ने को कर रहा है. तो मैंने कहा साइंस नहीं पढ़ना चाह रहे? कहती है नहीं. मैंने कहा एक शर्त पर साइंस नहीं पढ़ने दूँगी, आपको आर्ट्स पढ़ाऊँगी. कहती है क्या? मैंने कहा आपने पोजीशन लेनी है फिर बोर्ड में. तो उसने कहा कि मैडम मैं कोशिश करूँगी. मैंने कहा कोशिश वाली बात नहीं है, यू हैव टू मेक इट, यू हैव द पोटेंशियल. आप इतने स्कॉलरशिप विन कर रहे हो 8th क्लास तक, तो कोई मुश्किल नहीं है. और फिर उसने बहुत, वो लास्ट ईयर भी बहुत पैशनेट थी कि मेरे एग्ज़ाम हो और मैं कुछ करके दिखाऊँ, पता लग जाए कि मेरी तैयारी कैसी है. लेकिन लास्ट टाइम अनलकीली एग्ज़ाम नहीं हो सका, उसकी वजह से वो पेपर नहीं दे सकी. फिर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने दिस टाइम शी हैज़ मेड दैट. मेरा नाम कायनात सुलेमान है और मैंने फेडरल बोर्ड में सेकंड पोजीशन हासिल की है. और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ इस मकाम पे आके खड़ा किया. और ये सिर्फ हार्ड वर्किंग है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो हार्ड वर्क करते हैं और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, अपनी तरफ से मेहनत पूरी करें. उनका एक माइंडसेट बन गया कि बस पेंडेमिक है और हम ये कर लेंगे, ये नहीं कर सकते. नहीं, माइंडसेट आप लोग करो कि हमने ये कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे ये चीज़. जब आप लोग का माइंडसेट बन जाता है कि हमने करना है और करना है ये, तो फिर आप कुछ मुश्किल नहीं है हमारे लिए इस चीज़ में. बेटी तो मेरी जान है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है उसने वो किया है. तो इसको थोड़ा यकीन था, मुझे भी था, लेकिन बहरहाल माँ वो डरी हुई थी. लेकिन इसको थोड़ा सा, इसके बाबा तो बस इसने कहा था इसने तो कोई पोजीशन लेनी ही लेनी है. आगे मैंने बेटी को सपोर्ट करूँगी इंशाल्लाह, सारे वो भी आगे भी इसी तरह अचीव करे जिस तरह अभी किया है उन्होंने.